अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, मैं अम्मी के घर पे आई हूँ क्योंकि आज मामा जाने वाले हैं वापस से कोलकाता। इसके लिए मैं आई हूँ मिलने के लिए। पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। तो देखिए, मैं आ गई हूँ अम्मी के घर पे। आयशा, सलाम नहीं किया बेटा नानी को? हाँ, लाइट है देखो। अरे वाह, माशाल्लाह। देखिए, ईद मिलादुन नबी की तैयारी चल रही है इनके घर पे। देखिए, इन लोगों ने कुछ डेकोरेशन वगैरह किया है, गैलरी को सजाए हैं लाइट वगैरह से। और चलिए फिर आ जाओ आयशा। आयशा बेटा, आप लाइट को ही देखते रहोगे, नानी को सलाम करो। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, तैयारी चल रही है। आ जाइए, आइए आइए, किचन में आइए। देखिए, मामा के लिए, मामा को ट्रेन में डब्बे में दे के जाने के लिए ये सब तैयारी चल रही है। पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या बनाया। और देखिए, हमारी खाला जान जो है अपने भाई के लिए, देखिए रोटी वगैरह बना रही, क्योंकि मामू के ट्रेन है 9 बजे की और अभी शाम के हो जा रहे 6:15 बज गए हैं। तो तैयारी चल रही है। अभी मैं दिखाती हूँ उन लोग क्या क्या बनाए हैं। पता नहीं, मैं देखती हूँ, मैं तो अभी जस्ट आई हूँ, मुझे नहीं पता क्या क्या बना है। क्या है खाला, दिखाएं जरा। अरे कुछ बनाई भी हो कि नहीं आप लोग? ओ माय गॉड, देखिए ये कुछ भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मामू को गोश्त वगैरह नहीं पसंद है, तो देखिए इन लोग ने ये थोड़ी सी भिंडी की भाजी बनाई है और उधर थोड़ी सी आलू की भाजी बनाई है। कीमा भी बनाए हो क्या आप लोग? अच्छा हाँ, वो कबाब भी बना है, जैसे कि मैं बताई थी कि थोड़ा कबाब भी बना दे रहे, तो वो भी बना है। और ये रोटी बना है, तो ये सब उनको ट्रेन में खाने के लिए देने वाले हैं इन लोग। तो देखिए तैयारी चल रही है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये वाला गोला कबाब है। तो ये मामू जो है थोड़ा सा ये खा लेते हैं, बाकी उनको गोश्त वगैरह इतना पसंद नहीं है, भाजी ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये देखिए खाला उनके लिए रोटी बना रही है, और अम्मी जो है मेरी वो नानी के पास है। तो चलिए आते हैं अम्मी के पास। आयशा, ओम वाह माशाल्लाह। यहाँ भी देखिए, आइए, हमारी भाभी का जो रूम है उन्होंने, ये देखिए वाह, ये भी वाला गैलरी इन लोगों ने लाइट से लगाया है। देखिए आयशा, कैसा लग रहा है आपको बेटा? मम्मा, मम्मा, मुझे छू के देखो। छू के देखोगी? क्या छूओगी बेटा? लाइट। लाइट, लाइट को मत छू, आपको करंट लग जाएगा ना, पावर लग जाएगी ना। दूर से देखो, ठीक है? तो देखिए, ईद मिलादुन्नबी की तैयारी चल रही है माशाल्लाह। 12वीं शरीफ का महीना चल रहा है, बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप लोग को पता ही है, 9 तारीख को ईद मिलादुन्नबी है। हाँ बिल्कुल बेटा, वहाँ पे भी लाइट चल रही है। वाह माशाल्लाह, मौसम भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, लेकिन नहीं होगी बारिश ऐसा लग रहा है। मौसम लेकिन ठंडा हो गया माशाल्लाह। सुबह से तो बहुत धूप थी, लेकिन देखिए शाम से धूप नहीं है और मौसम बहुत ही अच्छी हो गई है। बहुत ही सुहाना लग रहा है सब कुछ। आयशा चलो, नानी कहाँ है बेटा? चलो नानी को सलाम करो। ये देखिए नानी है, नानी के पास अम्मी बैठी हुई है और असलिहान भी बैठी है यहाँ पे। तो देखिए, मामू से मिलने आई थी तो गुलाब साबानों के यहाँ पे मैंने कपड़ा भी लेके गई थी सिलने के लिए, तो वो भी सिल के आ गए हैं। मैं ला नहीं पाई है, मैंने मेरे भतीजे से मंगा लिया था। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह गुलाब साबानों जो है बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है, जैसा पैटर्न बताती हूँ वैसा ही सिलती है। देखिए ये मेरी खाला का है, देखिए उन्होंने ऐसे कुछ लेस वगैरह लेस दे करके ऐसे बनवाए थे, ऐसे पैटर्न में खाली कुर्ता ही बनाई। ये खाला का है और ये मेरी अम्मी का है। ये देखिए मम्मी का कपड़ा है, मैंने आपको बताया थी सारे हमारे घर पे जितने कपड़े हैं सब उनसे ही सिलवाते हैं हम लोग। ये देखिए मम्मी का है,
तो नॉर्मल ही है इन लोग का, ज़्यादा कुछ पैटर्न वगैरह नहीं है। और ये उनका शलवार है, और ये देखिए ये मेरी नंदन जी का कपड़ा है, ये देखिए। तो इनके कपड़े में थोड़ा सा पैटर्न है, ये देखिए ये ऐसा बनाया उन लोगों ने। मेरे कपड़े में एक ऐसा था तो बोले मेरा भी बनवा दो, मैं बोले ठीक है मैं बनवा दूँगी। और ये देखिए आस्तीन में भी ऐसा है, और ये देखिए इनके पैंट में कंगूरा बनवाए हैं, तो मैं ऐसे ही कंगूरा वाले पैंट वगैरह प्लाजो ये सब पहनती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह गुलाब साहब ने बहुत ही अच्छा सिलती है। हाँ बेटा पहनाते हैं। और ये देखिए नानी का भी है, नानी के लिए भी ऐसे, नानी अभी जैसे कि ज़्यादा कुछ बीमार है तो पहन नहीं पाती, उनके लिए नॉर्मल ऐसे मैक्सी बनवा दिए थे। तो देखिए ये नानी का भी है, और ये देखिए आयशा का बर्थडे का पेंडिंग था, ये मामा ने लाए थे आयशा के लिए, दो कपड़े लाए थे उसके लिए, तो एक तो हम लोग रख लिए और एक उसको छोटा हो गया था तो पेंडिंग था, तो वो अब लेकर के आए हैं। तो देखिए उसको ही पहनने के लिए बोली मम्मी पहनाओ ना पहनाओ, तो देखिए ये लाए थे, ये अच्छा लगा उसको तो वो लेकर के आए आयशा के लिए। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। और देखिए गुलाब साहबानो जी अगर आप हमारा वीडियो देख रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलते हैं। तो चलिए अब मैं ये सब घड़ी करती हूँ, रख देती हूँ, और जिसका जो सामान है मैं उसको दे दूँगी। और अब अजान भी होने वाली है मगरिब की, तो चलिए अब लोग नमाज़ पढ़ने की तैयारी करते हैं। तो देखिए अभी मामा जी का बैग भी तैयार हो गया है, और उनको जो खाने के लिए हम लोग बनाए थे वो भी मैं उनको दे देती हूँ, डब्बे में पैक कर दी हूँ। ब्रेड है और मस्का भी है और रोटी भी है, और वो जो कबाब बनाए थे टिक्किया, हम लोग हमारे कोलकाता में टिक्किया बोलते हैं, और भाजी भी बनाए थे, तो ये उनको हम लोग दे देंगे। और इधर ये देखिए यहाँ पे पानी का बोतल भी है, और मामा जी अभी चाय पी रहे हैं, देखिए पानी का बोतल इसमें रख दिए हैं। बस अब मतलब कैसा है कि अब जाने की तैयारी चल रही है, बस थोड़े ही देर में निकलेंगे इन लोग। देखिए मामा चाय पी रहे हैं बैठ के, इनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, शाम के टाइम पर बस हल्का ये बटर या खारी चाय ऐसा कुछ खा लेते हैं। और आयशा को देखिए जो अभी मैंने अभी कपड़ा दिखाया, और देखिए वो कपड़ा पहन भी ली, कुछ भी नया देखती है तो बस उसको फ़ौरन पहना दो ऐसा। देखिए माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर कलर भी बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। तो मैं सोची थी इसको बाद में पहनाऊंगी, लेकिन ये इतना ज़िद करने लगी तो मुझे अभी पहनाना पड़ा। और देखिए शाम भी हो गया, अंधेरा भी हो रहा है, और 7:30 बजने वाले ही हैं, बस अब थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। कल्याण सेन की ट्रेन है, 9 बजे की ट्रेन है, तो अभी निकलेंगे, ट्रैफिक भी रहती है ना रास्ते में, इसके लिए थोड़ा जल्दी ही निकलेंगे। और ये देखिए मामा के लिए बन रहा था, तो खुशबू मेरे नाक में ऐसी गई तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं सोच रही मैं भी थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, दो हस्बैंड को दे दूँगी तो मैं खा लूँगी, तो हम लोग का ये शाम का नाश्ता हो जाएगा। माशाल्लाह बड़ी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही, पता नहीं क्यों मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको खा लूँ, तो बस अब रहा नहीं जा रहा मेरे से। वाह कबाब के साथ माशाल्लाह मुझे पाव भी मिल गया, तो अब मैं इसको ऐसे करके कबाब पाव खा लूँगी और फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आयशा खाओगी क्या? आप भी खाएंगे? आपको भी दूँ? और हस्बैंड को भी खाना है, तो चलिए मैं इनको भी दे देती हूँ। दो लगा दूँ क्या आपको? ले लीजिए, आप भी क्या याद रखेंगे, लीजिए खा लीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी बस चलने की तैयारी हो रही है, बस अब निकलने ही वाले हैं। तो अम्मी अपने भाई, अपने जो उनके भाई उनसे बात कर रहे हैं, देखिए बंगला में उन लोग बात कर रहे हैं। आयशा नाना को सलाम करो बेटा। चलिए मामा आइए फिर। अस्सलाम वालेकुम।